नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आजकल मैं सूर्य रेखा पर आपको कुछ वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा कि सूर्य रेखा से कोई रेखा निकलकर बृहस्पति क्षेत्र पर चली जाए तो कैसे वो अपनी हुकूमत को जो है शासन लेना चाहता है। अब ये ज़रूरी नहीं होता ये शासन जो है ये सत्ता के लिए हो, सत्ता के लिए नहीं। अब इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, मान के चलो कि एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। एक कंपनी है जिसमें मालिक कभी कभी आता है और उसमें एक व्यक्ति अपना होल्ड बनाकर बैठा है, बहुत सारी कंपनियों में मिल जाएगी। वो हकूमत करना चाह रहा है, वो सोच रहा है मैं ही सब कुछ हूँ। तो उसको ऐसे भी समझ सकते हो, वो पुराना वाला वीडियो देख लेना। लेकिन मुद्दा ये है कि आज मैं ये समझा रहा हूँ कि यहाँ से कोई शाखा निकलती है और वह शनि क्षेत्र पर जाती है। शनि, ये तो आपने शाखा देखी होगी बहुत ये, लेकिन मैं ये वाली कह रहा हूँ, ये वाली शाखा, ठीक है। यहाँ से ज़रूरी नहीं है, यहाँ से भी जा सकती है अगर ये है तो क्या होगा। मुद्दा तो ये, अगर इस वाली रेखा पर आगे जाकर स्टार है तो क्या होगा। अगर इस वाले पिछले वीडियो में भी तो यही समझाया था, इस पर स्टार है तो क्या होगा। ये तरक्की चरम सीमा पर करेंगे इस केस में, यानी ये रेखा ये चिन्ह ये तो चरम सीमा की तरक्की है। लेकिन ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या बुद्धि, ये व्यक्ति बहुत बुद्धि मतलब गंभीर तरीके से सोचने वाला है। ये ठंडी खीर खाने वाला व्यक्ति, ठंडी खीर खाता है और एक और भी आता है, ये क्या है, खर्चा कम करता है। इसमें एक सबसे बड़ी है, ये ना बड़ा खर्चा टोल मोल के करता है। मेरे हस्बैंड जो है ना वो सारा का सारा घर का जो है वो पूरा रखते हैं ध्यान, और ये और वो कहाँ खर्चे कैसे कैसे होने हैं, मुझे भी इतने पैसे नहीं देते हैं। अब ये एक तकलीफ़ें देनी शुरू हो रही हैं। और वो ना हमारे घर में डाइनिंग टेबल भी टूट चुका है, बेड भी गद्दे ख़राब हो चुके हैं। उनसे कहती हूँ, वो कहते हैं इसी में कर लो ना, दरी में सो लो ना, कुछ नहीं होना, कंजूस बन गया। अब कारण क्या है ये, अगर उंगलियां सख्त हो जाएं, अंगूठा सख्त हो जाए तो आदमी और कंजूस हो जाएगा। अब इसमें अंगूठा उसका छोटा हो जाए और कंजूस और कंजूस और कंजूस, यानी ये रेखा वैसे ही कंजूसपन दिखाती है। बुद्धि को सोच सोच के कदम उठाती है। जैसे ये जो ये वाली जो साइन बना है, ये व्यक्ति अगर ये रेखा है, ये व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रहेगा बुद्धि से स्वतंत्र नहीं। मान के चलो इसे एक ऑफ़र मिला पार्टनरशिप का, ये खुराफाती दिमाग लगाना शुरू करेगा, यार मैं अगर इस पार्टनर के साथ काम करूं तो यार कमाई कितनी होगी, यार दो वो हैं एक मैं हूं तीन हूं, यार हद है यार तीन जने आएंगे, अरे यार हद है यार इतना टाइम लगेगा यार, सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ेगा। अरे यार वो तो कहते हैं, इनमें से एक पार्टनर कहता है कि मुझे 40 किलोमीटर बाद ना एक मुझे वहाँ पर भी हम एक चीज़ कर लेते हैं, इतना दूर मैं नहीं जाऊँगा यार। वो दिमाग लगाना शुरू कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि शुरुआत कर, ये हर चीज़ पे दिमाग लगाएगा। और ये रेखा है तो अब दिमाग का दही बनना शुरू हो जाएगा, वो काम छोड़ना शुरू कर देगा, वो काम पे स्टेप भी नहीं लेगा। एक तो ये रेखा बन गई, एक ये रेखा बन गई, बस ये बुद्धि का तो दही बनना ही बनना है, रायता फैलाना ही फैलाना है उसने। मुद्दा समझ लो इस चीज़ को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये तरक्की की रेखाओं में चार चांद लगाने के लिए हैं, लेकिन ये कंजूसी की रेखा भी बन जाएगी, कंजूसी की रेखा भी बन जाएगी, समझते रहे। अगर इसी रेखा पर
ये चिन्ह बने हैं, ये चिन्ह बने हैं, इसके ये प्रेमिसेस पर पहुंची ही नहीं है, ये रेखा यहीं है, यहीं रुक गई, ये प्रेमिसेस पर नहीं पहुंची, ये इतनी सी रेखा है, और इसके साथ ये रेखा, ये सहायक रेखा है ना, ये सहायक रेखा है इसकी, ये भी फायदा पहुँचाए। जो शनि पर रेखा आ गई, जो सूर्य पर रेखा आ गई, वो सहायक रेखा है, एक रेखा की सहायक रेखा बनकर आई है, वो फायदा पहुंचाएगी, वो डाइवर्जन पर लाएगी उसकी बुद्धि को, कामों को लाएगी। जैसे मैंने बताया ये वाला, ये क्या है, बुद्धि को बांध कर रखने के लिए। एक तो ये जितना चिपक के रहेगी ना, ये चिपक के रहेगी, ये कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले। एक तो ये अपने मेरी मम्मी मेरी बहन मेरी, ये यही रहेगा, मेरा घर, मेरा पापा, मेरे भाई, मेरा बहन, मेरा, इसे ये आगे जाएगा ही नहीं, मैं इतनी दूर कैसे रहूँ, एक कमरे में कैसे रहूँ, मैं किराए के मकान में छोटा सा पढ़ने के लिए वहाँ कैसे, अरे यार बिहार के लोग देखो, बिहार से निकल के एक एक कमरे में चार चार जने रहकर पढ़ाई करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, ये नहीं पहुँच पाए, ये नहीं पहुँचा, ये हर काम के लिए बस यही सोचता रहेगा, पढ़ने के लिए इसका एडमिशन कहीं दूर हो जाए, मेरा मन ही नहीं लग रहा वहाँ पर, ये जुड़ गई है, ये दिमाग ज़्यादा लगाना शुरू कर देगा, दिमाग ये वाली यहाँ पर जितना ये डार्क बनता रहेगा, दिमाग का दही होता ही जा रहा है, 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 ये सहायक रेखा बनकर तरक्की पहुँचाती है, डाइवर्जन लाती है, ये बुद्धि को कंजूस बनाती है, बुद्धि को ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती हैं। लेकिन स्टार बना हुआ ये उस काम में चार चांद लगा, ये मेरी रेखा थी, तो मैं भी मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, मैं भी बाहर जाकर कहूंगा। आपने देखा होगा जो लोग कोई बन जाते हैं वो दूसरे लोगों को गाइडेंस देते हैं, बहुत आसान है बिजनेस करना, बहुत आसान है, जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ये पैसे लेते हैं, ऑडिटोरियम में जाते हैं, वहाँ पर सिखाते हैं, बताते हैं और कहते हैं कि आप भी बनो, जैसे मछली वाले अंकल ने क्या सिखाना, क्रैश कोर्सेस सिखाने शुरू करें, क्या मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास तो एडवांस पामिस्ट्री है, मेरे पास तो रिवर्स पामिस्ट्री है, मैं खुद तौबा करता हूँ, मुझे पता है एडवांस पामिस्ट्री बहुत मुश्किल है, जितना मैं दिमाग लगाता हूँ उन चिन्हों को समझने में, शायद मैं ये कहता हूँ मेरे मरने के बाद ये पामिस्ट्री मेरे साथ ही दफन हो जाएगी, मैं नहीं सिखा पाऊंगा, नहीं सिखा पाऊंगा। एक बारी मैंने सोचा मैं बुक लिखूं, मैंने कहा यार मैं एडवांस पामिस्ट्री पे कैसे बुक लिख सकता हूँ, मैं तो लिख ही नहीं सकता, क्योंकि ये टेक्निकल है, टेक्निकल चीज़ों को प्रैक्टिकल करके सिखाया जाता है, उनको लिखित में नहीं सिखाया जा सकता, प्रैक्टिकल करके सिखाया जा सकता है। तो मैं आज किसी को कहूं कि मैं भी तो पैसा कमा सकता हूं ना, पर मुझे पता है ये रिवर्स पामिस्ट्री कैसे सिखाऊंगा, अगर रिवर्स पामिस्ट्री है क्या, देखो समझाता हूं, थोड़ा सा बताता हूं, चलो इसी में देखो, हम यहां से शुरू करते हैं, एक साल दो साल, मैं ऐसे समझा रहा हूं वैसे बर्बली, तीन साल, पाँच साल, दस साल, पंद्रह साल, बीस साल, मैं ऐसे कर, ये बीस साल आता है यहां पर, ठीक है, बीस साल, ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, सभी ये मान के चलो, ये बढ़ रहे हैं ना, एक से लेकर ये 70 साल आए, तो यहाँ से बढ़ते हुए आए ना कदम पर, यानी ये वाली रेखा यहाँ से शुरू हुई और यहाँ ख़त्म हुई, तो ये क्या हुआ, एक नंबर, ये क्या हुआ, 100 नंबर, ये हुआ ना, यानी कोई रेखा यहाँ से अगर आ रही है तो ये बढ़ते क्रम पर आ रही है। अगर ये कौन सी रेखा थी हमारी, हम जीवन रेखा है तो कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से तो जीवन रेखा शुरू नहीं होती ना,
जीवन रेखा यहाँ से शुरू होती है, तो इसकी कैलकुलेशन एक से शुरू होगी, समझते रहना। अब जीवन रेखा ही अगर 20 साल की उम्र से ही आपने देखा वो रेखा यहाँ आई है, एक रेखा यहाँ पर आई, तो 20 साल की उम्र पर ये रेखा को आपने ये नहीं कहना 58 साल की रेखा है, समझते रहना। पहला कंसर्न इसका 58 या 60 या 62 साल जो ये यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि वो बन रहा है नीचे से, ये वाली उप प्रधान रेखा नीचे से शुरू होती है ऊपर तक जाती है, तो इसकी कैलकुलेशन कहाँ जाएगी, एक 20 साल एक 62 साल, ये दो चीज़ें बनेंगी। अब मान के चलो इस रेखा की कैलकुलेशन क्या है, इस रेखा की कैलकुलेशन क्या होगी जो कि माउंट पर शुरू हुई है, माउंट पर शुरू हुई है, ये है 16 साल की रेखा यहाँ पर, तो 16 है, ये 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक एग्जांपल समझना। यहाँ से एक रेखा गई तो ये 27 साल से निकली ना, आगे रेखा 27 से निकली ना, ये आप अब मैं आप देखो अब ये दिमाग का दही बनना शुरू हो रहा है आपका, क्योंकि आपने इस रेखा की कैलकुलेशन करी ही नहीं। पहले तो 15 साल, ये 20 है तो ये 15 है, 15 से शुरू करो, 16 17 18 यहाँ से एक रेखा निकली 18 साल से, तो इस ये 18 हो गई, यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करो, यहाँ पहुँचेगी एक कैलकुलेशन और ये पहुँचेगी दूसरी कैलकुलेशन, समझते रहना। अब एक रेखा ने इस रेखा को टच कर लिया, एक रेखा यहाँ पर पहुँच कर सपोज़ ये 26 साल पर पहुँचती है, एक रेखा यहाँ से पहुँचती है इस पर, तो ये रेखा क्या करेगी, कहती है ये वाली रेखा यहाँ पर आकर सपोज़ ये 26 साल की रेखा थी, कहती है 26 साल पर मैं आपको तरक्की दिला दूँगी, ये ट्रायंगल बन गया। तो 26 साल पर आप देखो यहाँ से एक रेखा निकली, वो यहाँ पहुँच गई, अब ये वाली रेखा 32 साल की रेखा बन गई, समझते ना। ये अभी रिवर्स पामिस्ट्री नहीं हुई है, रिवर्स पामिस्ट्री कब होगी, जब मैं यहाँ पर पहुँचूँगा, अब मैंने क्या करा, इस रेखा से मैं नीचे उतर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एक रेखा ये आई है, मैंने इसको पकड़ लिया, ये वाली रेखा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं रिवर्स कर रहा हूँ कि अगर 26 है, 25 है, 24 है, 23 है, 22 है, 21 है, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने कहा ये 21 साल की रेखा बन गई यहाँ पर, ये 21 साल की रेखा। अब 21 साल की रेखा का कंसर्न इसके साथ जोड़ूंगा, ये इतनी कैलकुलेशन क्या मैं किताब पे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता ना, मैं रिवर्स पामिस्ट्री में एक ही समय पर, ये सपोज मान के चलो, एक एग्जांपल बताता हूँ, ये 4 साल की रेखा थी, यहाँ 4 साल की रेखा थी, मैं यहाँ पर आया 4 साल की, अब मैं 20 साल से कैलकुलेशन कर रहा हूँ और यहाँ पर आकर एक साइन बना हुआ है, ये साइन बना, तो मैं क्या कहूँगा, आप मुझे बताओ ये क्या करूँगा, बताओ जरा इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, ये 4 साल है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब एक 10 साल पर एक मैं इनकी लाइफ में एक इंसिडेंट, क्योंकि इस रेखा ने इस रेखा के साथ 10 साल का कंसर्न, ये दोबारा आएगा लगभग 22 साल पर, ये 22 साल की रेखा बनी, वही चीज़ें घटित होंगी, दही तो बनना शुरू हो गया, सर हमें समझ नहीं आ रही, रिवर्स पामिस्ट्री बहुत मुश्किल है, मैं कभी कभी रिवर्स पामिस्ट्री करता हूँ, जब वो हाथ रिफ्लेक्ट करता है मज़ा आता है मुझे, लेकिन मुझे पता है मैं सिखाने में असमर्थ हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, पहले एडवांस तो सीख लो, पहले ये तो सीख लो कि कौन सी रेखा किस साल पर कैसी कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, हमेशा ना तो आपके पास धागे होते हैं, देखो समझाता हूँ, अगर ये एक लाइन मैंने एक साल की बोली एक लाइन, मैं इसे ज़ूम कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये अब ये एक साल की रेखा नहीं रही, क्योंकि मैंने इसे जूम कर दिया, ये इतनी बड़ी एक रेखा बन गई, इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जूम करने पर इतनी रेखा बन गई। अब मेरा धागा मैं पहले पास से देखूँगा, इस धागे को मैं देख रहा हूँ कितने हिस्से बने, मान के चलो एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्से,
एक साल के चार बारी मैं करूँगा, हर तीन तीन महीने की रेखा बन गई। यानी अब यहाँ से यहाँ तक ये तीन महीने की एक मैं धागा रखूँगा, फिर तीन महीने का, फिर तीन महीने का, फिर तीन महीने का, और एक्चुअल में वो ये वाली रेखा एक साल की रेखा थी, ये एक साल की, इसके मैंने चार भाग कर दिए, इतना पतला मैंने धागा बनाया ताकि मैं तीन महीने में पहुँच चुकूँ, और अगर मैं पंद्रह दिन में पहुँचूँ तो बाल जितना धागा आ जाएगा। और आप ऐसे ही किसी के जीवन से खिलवाड़ करना शुरू कर देते हो और कह देते हो कि पंद्रह दिन में हाँ आपका क्लियर हो जाएगा पेपर, अगला पेपर आपका क्लियर है, शादी एक महीने में हो जाएगी। पहले एक महीने में कैलकुलेशन का धागा रखा आपने, दही होना शुरू हो गया ना आपका दिमाग। आप पहले कैलकुलेशन के लिए धागे तो तैयार कर नहीं रहे, पेनों से कर रहे हो, हाथ पे रख कर ही बस कर रहे हो। हम तो सीख गए, हम तो बस ये 36 साल की 34 साल की रेखा है, अंदाज़ा लगा लिया। जितनी फीमेल है ना सब अंदाजे लगाती हैं, ये सीख लेती हैं और फिर कॉल करती हैं, सर हमें थोड़ी बहुत आ गई है, ये यही होता है। ऐसे कैलकुलेशंस नहीं आती हैं, गलतियां होती हैं। यहाँ पर एक चिन्ह बना है, ये चिन्ह किस साल पर आया ये कैसे निकाल, अंदाज़ा निकाल लो, गलत है। तो पहले धागे तैयार करो, एक साल का छः महीने किसी के जीवन के साथ ऐसे खिलवाड़ मत करो, यही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यदि सूर्य रेखा से कोई रेखा निकल कर शनि क्षेत्र पर आए तो बुद्धि गंभीर और मित्त व्यता आदि गुण होते हैं। ये गुण नहीं है। आप अपनी लाइफ में पैसा बचाना गुण नहीं है ये। उसके बाद अगर अंगूठा सख्त हो जाए तो कंजूस हो जाता है, यही एक अवगुण में तक हो गए, बचा बचा के पैसा कर रहा है वो, बचा बचा के। अगर इस चिन्ह इस रेखा के तारे का चिन्ह हो उसके आगे शनि क्षेत्र पर, ये देखो क्या लिखा है, यदि शाखा रेखा के अंत में शनि क्षेत्र पर तारे का चिन्ह हो तो विशेष सफलता प्राप्त होगी। यदि तारे के स्थान पर छोटी छोटी आड़ी रेखा बिंदु अशुभ चिन्ह हो, अगर अशुभ है तो सफलता की बजाय बदनामी मिलेगी। शनि क्षेत्र पर ये रेखा के पास दो सहायक रेखा हो, एक दो, तो सफलता का चिन्ह है। लेकिन यदि शाखा बोली शाखा शनि क्षेत्र पर नहीं पहुँचती, यही मैंने सिखाया, यूं रेखा थी मैंने कहा यहीं तक रुक गई, रुक जाए तो शनि क्षेत्र पर खड़ी रेखाएं हो तो जातक का कार्य सफलता में बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम, और उसको उतनी सफलता प्राप्त नहीं होगी, यही मैंने बताया। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शुरू कीजिएगा, धन्यवाद।